God bless you all जी, मैं सुलेमान यूनुस एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड जीसस द वे ऑफ लाइफ चर्च मिनिस्ट्री से आपसे मुलाकात हूँ। और पिछले दिनों में जिस तरह एनएन न्यूज ने हमारे न्यूज को कवरेज के लिए किया और उन्होंने हमारे इस इशू को, हमारे इस काम को फैलाते हुए अपने चैनल से इसे प्रमोट किया, और इसी तरह आज हमारे दरमियान हैं खुदा बख्श साहब, जिनसे मैं इंतहाई खुश हूँ, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने बलबोते पर अपनी मजदूरी को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता, बल्कि मैं अपनी तालीम को, अपने एजुकेशन को, अपने मुस्तकबिल को अपने बाजुओं पर इसे बर्दाश्त करना चाहता हूँ और लेके चलना चाहता हूँ, और मैं उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो मैं एनएन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ नितिन गिल साहब का, जिन्होंने हमें कवरेज के लिए यहाँ पर मौका दिया और हमने कोशिश की है इस बात को प्रमोट करने के लिए। सो हम देखते हैं और सुनते हैं खुदा बख्श साहब से उनके उनके ख्यालात जो वो दूसरों के लिए रखते हैं, ताकि कोई शख्स भी अपनी मजदूरी को अपने ऊपर मसल्लत ना करे, बल्कि अपने अपने बलबोते पर, अपने कदमों पर खड़ा होने वाला बन सके। आए हम खुदा बख्श साहब से सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम अहबाब ने मुझे मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद मैं आप सबको यही कहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, आप लोग हिम्मत ना हारें, मेरी तरह आप इसी तरह डट के हालात का मुकाबला करें, और याद रखिएगा कि कभी आप किसी पर इनसार ना कीजिएगा, क्योंकि जो बंदा किसी के ऊपर इनसार करता है वो नुकसान उठाता है। हमेशा खुद अपने बलबूते पर जीना सीखें, ताकि आप भी एक बने अजीम इंसान। थैंक यू सो मच जी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ जीसस द वे ऑफ लाइफ चर्च मिनिस्ट्री बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी इम्तियाज के अपने इस मिशन को जारी रखे हुए है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शख्सी दुआओं में भी हमारे इस काम को याद रखिएगा, खासतौर पर खुदा बख्श साहब के बिजनेस को याद रखिएगा, और फिर जो ज़ाती तौर पर इन बिजनेस में, इस खार खैर में, या इस तरह के स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में कॉन्ट्रीब्यूशन भी करना चाहता है, तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है हमारे साथ, ताकि ये मिशन इसी तरह जारी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।